वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं तुम्हारी वैदई मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट 11. अगेन बहुत दिन के दिन बचे हैं तो जितने से जितने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सको कर लो तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट अब वापस मार्क्स नहीं देखना है नहीं देखना मतलब सिर्फ जब दिन कम बचते हैं ना तो फोकस करना है कि कंसेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन क्लियर रहे ट्राई करो वापस 250 का पेपर है अब बोलोगे मैम 250 का पेपर कैसे क्योंकि 50 क्वेश्चन है अब तुम्हें अभी ऑप्शन मत रखो कि कोई 40 करने तुम पूरे के पूरे 50 करो सही होगा तो प्लस फाइव दो गलत होगा तो माइनस वन करो नहीं बन रहा छोड़ दो गलत मत करो और ट्राई करो जितने भी तुम मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो सारे के सारे सही निकले नेगेटिव में ना जाए और अगर नेगेटिव में इन केस जा रहे हैं तो उसका एनालिसिस करो कि क्यों गलत हो रहा है और उस पर्टिकुलर टॉपिक uh, को वापस से पढ़ो ठीक है वापस नीचे के जो फिफ्थ सिक्स को देखना ही नहीं है कि क्वेश्चन गलत हुआ या मल्टीपल आंसर हो है, वो सब बात की बात है अभी तो हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या करना है की को करना है अंडरलाइन तो क्वेश्चन नंबर वन देखो न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सीधा सीधा वो एल्गल ब्लूम के बारे में पूछ रहे हैं कि रीजन बताओ कौन से न्यूट्रिशन का ज्यादा लेवल हो जाता है उस वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है तो ये हम पढ़ चुके हैं ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर है फास्फोरस ठीक तो चलो देख लेते एक्सप्लेनेशन न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी एंड नेचुरल वाटर बॉडी इज जनरली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑर्गैनिक एंड इनऑर्गैनिक न्यूट्रियन मटीरियल फॉस्फरस फेवर द ग्रोथ ऑफ एक्विटिक वीट प्लांट्स लाइकिया वॉटर हाई सेकेंड इसी को जलकुम भी बोलते हैं अगर याद होगा तो ये एक एलियन स्पीशीज इनवेशन में भी इस प्लांट को तुम पड़ चुके हो एंड सर्टन ब्लू ग्रीन एलगी तो याद रखना है पर्टिकुलरली जो थाटा है उसमें भी तीन टाइप की आलगी होती है ब्लू एलगी ग्रीन रेड एलगी एंड ग्रीन एल्गी तो उसमें से ग्रीन वाली और ब्लू ग्रीन आलगी रिस्पॉन्सिबल रहती है ब्लूम के लिए रेड आलगी तो वैसे भी समुद्र में मिलती है ठीक चलो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ जेनेसिस अब तुम्हें पता है बीटी एनिमल्स में एनिमल नहीं बीटी प्लांट्स में बीटी प्लांट्स में बीटी क्या है बैसिलस ठीक है? मतलब वहां एक बैक्टीरिया से लिया हुआ जीन जो एक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो प्रोटीन कौन सा है क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन तो ये प्रोटीन जनरली बैक्टीरिया के अंदर तो इनएक्टिव रहता है पर एक्टिवेट कब होता है जब कोई इंसेक्ट पर्टिकुलरली वो पेस्ट जैसे ही खाएगा उसके मिड में क्या प्रेजेंट है अल्कलाइन पीएच देखो बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वही पूछ रहे हैं वो कि जैसे ही रीजन बताओ इस इनएक्टिव टॉक्सिन का एक्टिवेट होने का तो अल्कलाइन पीएच से जैसे ही ये काउंटर होगा ये इनएक्टिव जो आ, टॉक्सिन है वो क्या बन जाएगा एक्टिव बन जाएगा वही पूछा उन्होंने मैकेनिकल एक्शन इन इंसेक्ट गट अब बोलोगे मैम मैकेनिकल भी तो जा सकते नहीं मैकेनिकल नहीं जा सकते समझो बात को मैकेनिकल की जगह केमिकल लिखा होता तो वो भी आधा सही होता क्योंकि केमिकली भी कोई चीज एसिडिक हो सकती है और बेसिक हो सकती है ज़्यादा करेट क्या है बोलना बेसिक तो वही तुम्हें ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मिल रहा है जो डायरेक्ट आंसर है तो तुम्हारा आंसर हुआ अल्कलाइन पीएच ऑफ गट चलो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन

इनसेट की भी डेथ डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली क्या होना ही चाहिए फॉर्चुनेटली होना चाहिए चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो अब अगर तुमको याद होगा कि जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा किसके बीच में जीन्स के बीच में उतना ज्यादा क्या होगा रिकॉम्बिनेशन क्योंकि वो सेपरेटली सेग्रीगेट हो सकते हैं बट वही अगर जीन पास पास में रहे तो वो लिंक्ड रहेंगे और एक साथ इनहेरिटिंग इनहेरिट होंगे अलग अलग से इनहेरिट नहीं होंगे तो हम बोल सकते हैं ये एकदम डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है चलो ऑप्शन देख लेते हैं और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्कुल सही और इनवर्स रिलेशनशिप नहीं भैया अगर याद करो तुम पढ़ चुके हो कि सपोज करो ये क्रोमोजोम है ठीक है ये तुम्हारी बुक का ही डायग्राम बना रही हूँ सपोज करो ये क्रोमोजोम है यहाँ पे ए जीन है यहाँ पे बी जीन है अब चांसेस क्या है ये क्रोमोजोम का एक आम एक बना रही क्रोम ठीक है सिस्टर का एक बना रही हूं। तो वहां पे सिंस ये एक ही जगह पे तो चांसेस है कि या तो एक इंडिविजुअल में नहीं आएंगे या तो आएंगे तो दोनों एक साथ ये दोनों क्या है लिंक्ड है वही दूसरी कंडीशन में केस टू अगर यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे एक जीन है अब पॉसिबल है कि रिकॉम्बिनेशन हो ठीक है तो वही वो वा पूछ रहे हैं कि कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप है ठीक इनवर्स रिलेशनशिप नहीं पैरेलल नहीं नो no नहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन मोर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एंड हेंस मोर इज परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन अब इसी को अगर मैं और तुम्हें समझाओ तो देखो ऐसा कि सपोज करो ये एक क्रोमोजोम है, ठीक ठीक है अब एक एक कंडीशन है जहां पे ए और बी पास पास ही है एक ही इसके ठीक है और दूसरे इसमें एक सी यहां पे और एक ए बी वहां पे अब ये हुआ तुम्हारा कौन सा दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम वन और वन डैश ये हुआ तुम्हारा ए क्रोमोजोम ये हुआ बी और ये हुआ सी ठीक है अब बताओ चलो दूसरा तो सेम ही लगेंगे है ना दूसरे दूसरा नाम लिख देते हैं तो ये हुआ ए स्मॉल ए स्मॉल बी और यह स्मॉल सी अब देखो जब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है पी आम होती है क्यू आम क्यू आम के बीच में अब जब ये टूटा और ये निकल के इस जगह आया या ये वाला टूटा निकल के उस जगह गया तुम तो ध्यान से देखो ये जीन तो आराम से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा मतलब क्रॉस ओवर हो सकता है रिकॉम्बिनेशन हो सकता है वहीं पे जब ये आम जाएगी तो ए भी अलग अलग नहीं हो रहे या तो एक साथ पास हो रहे या तो हो ही नहीं रहे ठीक है तो वही वो पूछ रहे हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन अलग अलग परम्यूटेशन रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या है ज्यादा है ये तुम्हें समझाया गया है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वाले सेक्शन में तुम्हारे NCRT में एक पूरा का पूरा पेज ड्रॉसो को लेके यही चीज समझाइए एक बार जाके वो डायग्राम भी देख लेना क्योंकि हो सकता है वो डायग्राम का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन तुम्हारे एग्जाम में दे दे और फिर वो पूछे द डायग्राम ड्रॉन अबाउट प्रोडिक्टेड वॉट फिर चार स्टेटमेंट रहेंगे बेस्ट स्टेटमेंट तुमको चूज करना है तो याद रखो अगर इस तरीके से पूछ सकते हैं तो डायग्राम देके उल्टा भी पूछा जा सकता है तो जरा स्टार मार्क कर लो और उसको भी याद कर लेना चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इन टू ओव इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉल्ड अब ये तो तुमको याद करने पड़ेंगे ये हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं जिफ्ट गिफ्ट उसके उसके बाद IU, आ, IUDs, उसके बाद ICSI, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ई टी पता है एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर होता है वो पूछ ही नहीं रहे वो किसका पूछ रहे भैया स्पर्म का तो क्या है इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म ट्रांसफर ये बेसिकली अपन को चाहिए तो ये किस चीज का इंजेक्शन ट्रांसफर नहीं क्शन आईसीएसआई तो ये अपन को फुल फॉर्म अगर पता है तो ये फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक तो तो है इंट्रा और वही जिफ्ट है, इंट्रा की ना बात कर रहे है ना गैमिट की बात कर रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं कि डायरेक्टली स्पर्म में इंजेक्ट किया गया ओवम में तो ये तो एक ही फुल फॉर्म के लिए स्टैंड करता है आईसीएसआई स्टैंड करता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन

लैब में बनता है नाम जरूर टेस्ट ट्यूब है पे पेट्री डिश में होता है ओवम लिया जाता है स्पर्म लिया जाता है बाहर ही फर्टिलाइजेशन कराया जाता है एक 32 से लेकर 64 सेल तक उसी पेट्री प्लेट में उगाया जाता है फिर उसको लेके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट स्पर्म और ओवम का मर्जर मतलब फर्टिलाइजेशन और उसके लिए कौन सी मेथड सबसे सही है आईसीएसआई तो सेम क्वेश्चन को वो उसके ऊपर का मतलब ऑप्शन यही रखेंगे ऊपर का क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देंगे याद रखना है तो इसी को कैसे पूछ सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है या उनको और कॉम्प्लिकेट करना है तो बोलेंगे एक कपल इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है एट द एंड फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ है मेल के भी कुछ आ, आ, जो इजैक्टरी डक्ट है उसमें गड़बड़ है आप बताओ इनके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक कौन सी होगी तो फिर उसमें ऑप्शन आएगा या तो टेस्ट ट्यूब बेबी या तो आईसीएस है इस तरीके से और वो मैंशन करेंगे कि यूट्रस सही है फेलोपियन ट्यूब में कुछ ब्लॉक

में डेवलप हो चुके उड़ने में मदद कर रहे ठीक है चीता दौड़ने में मदद कर रहे एंड मैन हमारा तो काम करने में मदद कर रहे हैं आर सिमिलर इंस्ट्रक्चर बिल्कुल सही सिमिलर इंस्ट्रक्चर

क्या होता है डाइवर्जेंट ट्रिवल्यूशन डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग फंक्शन कर रहे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआजॉमन एनसिस्टर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ दूरिटी इज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वॉटर वेस्ट वॉटर ये तुम पढ़ चुके हो जहां पे तुमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा है सबसे पहले क्या होता है फिजिकल ट्रीटमेंट या मैकेनिकल ट्रीटमेंट क्या होता है जो बड़ा बड़ा कचरा दिख रहा है उसको इजीली फ़िल्ट्रेशन से और फिर फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन से हटा दिया जाता है तो यही पूछ रहे बताओ सबसे ईजी इजी कचरा कौन सा है जिसका रिमूवल बहुत सिंपल है तो रिमूवल सिंपल कौन से इसमें आता है फिजिकल में उसमें से भी जो चीज़ फिल्टर आउट हो जाए तो देखो बैक्टीरिया नहीं है तो सेकेंड में आता है ठीक है उसके कोलोइड्स नहीं और कोलोइड्स फिर डिजोल्व सॉलिड्स हाँ बोल सकते हैं पर डिजोल्व सॉलिड से ज़्यादा बेटर है जो नॉन डिजोल्व सॉलिड्स है ना जो दिख रहे फिल्टर आउट

है ना फिर होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ अब जीन्स को जीन जीन्स नहीं जीन को क्या करना है साइलेंस करना है मतलब जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है जब उसका ट्रांसक्रिप्शन हो मतलब सीधा सा लॉजिक ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकना है मतलब सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनना चाहिए अगर बन गया तो वो डी ना हो पाए या ट्रांसलेट ना हो पाए तो काम करो डबल स्ट्रैंडेड उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आर घुसा दो तो वो क्या बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आर फिर वो कभी ओपन ही नहीं हो पाएगा और वो कभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा तो ये सारी टेक्निक तुम कहाँ पढ़ चुके हो आर जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट इंटरफेयरिंग आर

बात कर रहे हैं चलो देखते हैं एज अ मेथड ऑफ सेलर डिफेंस तो ये वर्ड वर्ड भी याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ डिफेंस के नाम पे आ जाएगा आई टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्यू डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बोला ना ऑलरेडी सिंगल स्टैंडर्ड है अब उसको ट्रांसलेशन से रोकना है तो क्या करो वो अभी सिंगल स्टैंडर्ड है तो मतलब ट्रांसलेट uh, हो जाएगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जिसको एंटीसेंस सेंस आर एन ए बोला या फिर आर एन ए आई टेक्निक से वो आकर के okay. उसके साथ कंबाइंड बॉन्ड बना लेगा अब वो सिंस ओपन नहीं हो पाएगा तो कोई भी टीआरएनए मॉलिक्यूल उसको डिकोड नहीं कर पाएगा कि ये कोडॉन्स पे लिखा क्या है आखिरकार लो बन गया तुम्हारा मतलब बन गया मतलब क्या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया और ट्रांसलेशन रुक गया मतलब जीन एक्सप्रेशन रुक गया ठीक वो देखो तो कैसे हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड

मॉर्फिन इट इज अ वाइट ओडरलेस, ब्रिटल उसके बाद क्रिस्टलाइन कंपाउंड विच इज ऑप्टेन बाय एसेटाइलेशन, मतलब एसेटाइल ग्रुप को ऐड करके किस मॉर्फिन में एक्स्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दॉपी प्लांट या भी बोलते हैं आगे. Sativis, अब देखो उन्होंने बाकी के ऑप्शन दिए तो उसको ऑप्शन का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं लीव ऑफ कैनाबिस कॉल भाग प्रोड्यूस कैनाबिनोइड कैनाबेनॉइड्स बनाए जाते हैं धतूरा फ्लावर प्रोड्यूस एल्कोलॉइड्स मेनलीपाइन देन हाइड्रोस साकमाइन एंड एट्रोपाइन एट्रोपाइन जो बेलडोन है वो अब उसी के बारे में आएगा एट्रोपाइन रिड्यूस रिड्यूसलाइवेशन एंड रॉन्शन बिफोर सर्जरी इट इज ऑल्सो यूज टू डायलेट द पीपल बिफोर आई एग्जाम

उससे धतूरे से एट्रोपाइन निकाला जाता है और एट्रोपाइन कहाँ यूज होता है कि जब भी हम आई चेकअप के लिए जाते हैं जो आई का प्यपल डायलेट करने के लिए डालते हैं तो वो बेसिकली उसी प्लांट में से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है तो इतना जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अच्छी बात है स्क्रीन ले लो और लिख लो कहीं पर ठीक है तो वापस क्वेश्चन था तुम्हारे स्मैक के बारे में तो अब जल्दी बताओ जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें इससे सीखने को क्या मिलता है कि एक पेज लो ये जब पूरा मॉक हो जाए तो क्या लिखोगे कि प्लांट का साइंटिफिक नेम फिर उसको कॉमन में क्या बोलते हैं उससे कौन सी ड्रग ड्रग ऑप्टेन की हुई उसके रिसेप्टर कहाँ है उसके इफेक्टर कहाँ है और उसका मार्केट ने उसी ड्रग का तो इतना काम करना है तुमको जब ये पूरा मॉक टेस्ट इलेवन सॉल्व हो जाए ठीक चलो अगला क्वेश्चन क्योंकि देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं पर ये समझो बात को कि अगर एक ड्रग पे वो इतना इन डिटेल पूछा जा सकता है तो किसी अगला क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना मतलब किसी भी ड्रग से रिलेटेड हो सकता है तो इतना एक चीज एक्स्ट्रा याद कर लो तो जनरली हमेशा ऐसे ट्राई करो कि जब टाइम कम हो और अपन को ऐसा लगे कि नहीं बहुत सारा पढ़ना है करना है कैसे करे नहीं समझ में आ रहा तो यही तरीका होता है कि कि अब लग रहा है कि नहीं, इस पे बहुत हो रहा है नहीं बहुत ज़्यादा फोकस हो एनालिसिस करो तो उसी से रिलेटेड टॉपिक इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग अच्छा मतलब किससे नहीं आएगा सीधा सा लॉजिक आगे, अच्छा, अच्छा, रुक जा। crossing over, अरे crossing over, से से तो variation होता है, Mute, uh, linkage, अच्छा, mutation, mutation से भी वेरिएशन होता है और पूछा क्या है नॉट तो so, देखो लिंकेज से वेरिएशन नहीं आएगा क्यों वापस देखो वही क्वेश्चन आ गया अच्छा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलोगे मैम ये भी तो है नहीं है क्यों अगर सपोज करो एक जीन है सॉरी एक है एक यहां पे कैरेक्टर है या एक जीन है किसी एक कैरेक्टर का यहां पे दूसरा जीन है दूसरे कैरेक्टर का ठीक अब ये ये वाले को इससे कोई मतलब नहीं मतलब ये वाला ये वाला वाला हेयर कलर कलर के के बारे बारे में में आई दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं तो हो सकता है एक में दूसरा कैरेक्टर आ जाए मतलब दूसरा एलील आ जाए कैरेक्टर तो आएगा ही दूसरा एलील आ जाए उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए और दूसरे भाई बहन में कोई दूसरा एलील आ जाए उस कैरेक्टर के लिए तो यहां वहां तो वेरिएशन आएगा ठीक है देखो बात ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है एक जीन को दूसरे जीन से या एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं इंडिविजुअली वो अपने इनहेरिट होंगे ठीक तो ये क्या कर सकता है ये वेरिएशन लाएगा पूछा क्या है नॉट हटाओ इसे क्रॉसिंग ओवर तो क्रॉसिंग ओवर तो रिजल्ट ही है वेरिएशन का तो हटाओ इसे लिंकेज अब बोलोगे मैम लिंकेज भी तो है नहीं है देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक ही दोनों जीन पास पास में है, तो वो, तो वो दोनों ब्लैक के लिए हो रहे तो सबके ब्लैक 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 होंगे वेरिएशन आया क्या नहीं आया तो याद रखो कि अगर लिंकेज रिस्पॉन्सिबल है तो लिंकेज के अंदर जो जो जीन्स है वो एज इट इज पास ऑन हो जाएंगे तो उसके कारण

हेयर कलर का चलो हेयर कलर ही लेते हैं और दूसरा जीन था करली हेयर का मतलब हेयर कलर और करली हेयर वो दोनों पास पास रखे थे उस पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे और एज इट इज हर बार वो हर सिबलिंग के पैदा होने के पहले वो इनहेरिट होते चले गए तो सब लोगों के जितने भाई बहन हैं सबके कैसे है ब्लैक uh, हेयर है और करली हेयर है इसमें कुछ चेंज नहीं आया बट वहीं पे दूसरा वाला जीन आई कलर का था वो थोड़ा दूर था या उसमें म्यूटेशन आ गया या उसने क्रॉसिंग ओवर कर लिया तो सबके आंखों का कलर अलग अलग है हुआ क्लियर आगे देखते हैं इन लिंकेज देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल क्रॉस ओवर ठीक है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन मीन्स दैट एलील पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इंडिपेंडेंटली आंखों के कलर को बालों के कलर से कोई मतलब नहीं हर जीन इंडिविजुअली सॉर्ट होगी ऐसा नहीं होगा कि जब आंखों का कलर आएगा साथ साथ में हेयर कलर भी हेयर कलर वाला भी जीन आगे पास हो रहा है पर लिंकेज में ऐसा ही होता है अगर एक जीन पास हो रहा है तो वो दूसरे से क्या है लिंक है क्योंकि दोनों बहुत पास पास है तो एक अगर इनहेरिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा क्यों क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस भी कम है और दोनों साथ साथ रखे हुए हैं आगे देखो ठीक है Uh, independent assortment of gene means that allele pairs separate during formation of gamete independently it means that the trait are transmitted to offspring independently of one another crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosome it is one of the final phase of genetic recombination mutation is a sudden a sudden change in dna So mutation is a sudden inheritable change in genetic material of an organism which transfer to the next generation आ क्लियर इतना चलो आगे मूव करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग regarding... जिफ्ट तो जिफ्ट का फुल होता है फुलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ठीक है मतलब वो वो में में ना करके कहां कर देते हैं फिर वो वहां से और होके लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जाएगा इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर पे ठीक है पूछा है करेक्ट मतलब सीधा सा लॉजिक चार में से तीन होंगे इन करेक्ट एक होगा सही देखो ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फिलोपियन ट्यूब टू फैसिलिटेट जायगोट फॉर्मेशन नहीं भैया ये तो जायगोड बन गया है उसका ट्रांसफर हो रहा है हटाओ इसे से जयगोड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब अच्छा ये थोड़ा बहुत सही सही साउंड कर रहा है रुको अभी है ना इसको होल्ड करो क्योंकि इंट्रा इंट्राफेलोपियन ट्यूब है ठीक है आगे जायगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल एंड ट्रांसफर टू यूट्रस नहीं इंट्रा ट्यूब ट्रांसफर है वो खुद लुड़क लुड़क के डेवलप हो हो के कहा आएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ठीक है ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोना एंड ट्रांसफर टू यूट्रस ओवा का क्या करूं नाम ही है जायगोट तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है तुम्हारा बी ठीक चलो देख लेते हैं इन इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब रादर देन डायरेक्टली इन यूट्रस जिफ्ट इज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग आईवीएफ एंड गिफ्ट हुआ क्लियर चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन द ग्रीन स्कम अभी तो थोड़ी देर पढ़ा पहले पढ़ा था इसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं ठीक है फास्फोरस के कारण जल्दी वो प्रोसेस जल्दी फास्ट हो जाती है आगे सीम्स इन फ्रेश वाटर बॉडी इज अभी बताया रेड को छोड़ गए दोनों रिस्पॉन्सिबल है ब्लू ग्रीन आलगी बिल्कुल सही एंड ग्रीन आलगी बिल्कुल सही तो ऑप्शन क्या है बोथ ए एंड सी

थ बोर्ड के पेपर से तो एक और क्या तुम्हारा टास्क हुआ फिर से ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर तीनों सेट सॉल्व करो और उसको सोचो कि हर एक क्वेश्चन को, को तुम तुम किस अलग एंगल से सो, सोच सकते हो कि किससे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं ठीक चलो देखते हैं क्योंकि अभी टाइम कम है इसलिए ये सबसे शॉर्टकट मेथड है एडीए इज एन एग्जाम एंजाइम विच इज डेफिशियंट इन अ जेनेटिक डिसऑर्डर स्किड बिल्कुल ठीक है वॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एडीए यही तो पूछा था एग्जाम में वापस पूछ लिया एडेनोसाइन डी एम इनिस ना कि डी ऑक्सी ना कि 9 क्या, क्या है एडेनोसाइन डी चलो आगे देखते हैं तो मैच चूज द करेक्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं टाइम बचाते हैं क्योंकि डिडक्शन मेथड बहुत इजीली लग जाता है क्या करना है पहले तो एक नजर घुमा लेनी है ठीक है उसमें से जो तो तुम्हें एकदम इजीली समझ में आता है सबसे पहले उसी ऑप्शन को ढूंढो सीक्वेंस वाइज मत जाओ तो देखो ट्रोफोब्लास्ट क्लीवेज इनर सेल मास इम्प्लांटेशन इंप्ला, तो अगर तुम क्लीवेज देखोगे तो क्लीवेज का मतलब क्या माइटोटिक डिविजन ठीक देख लो भैया यहाँ का माइटोटिक डिविजन एरा माइटोटिक डिविजन ऑफ जायगोट क्योंकि क्लीवेज होकर डिवाइड होगा ना एक सेल दो सेल में बना दो सेल चार सेल में बना चार सेल आठ सेल में बना तो क्या होता है इसी को तो क्लीवेज बोलते हैं जो माइटोटिक डिवीजन, मतलब सीधा सा लॉजिक बी का क्या होना चाहिए फोर्थ होना चाहिए तो देख लो यहाँ बी का फोर्थ का है यहाँ पे है यहाँ पे है मतलब बाकी दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए अब तुम पहले क्या करो इन दोनों ऑप्शन को देख लो देखो दोनों में डी का वन है तो उसको देखो ही मत अब सिर्फ तुमको ए और सी में से चूज करना है तो अगर ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है सबसे बाहर वाली लेयर चलो देख लो आ, आ, अच्छा इमेंडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द दियम ये तो तुम्हारा इम्प्लांटेशन हो गया ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफ्रेंशियट एज एम्ब्रियो नहीं नहीं आउटर लेयर आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द इंडोमेट्रियम बिल्कुल सही ए का क्या होगा थ्री होगा अब देख लो इन दोनों में से एक का थ्री कहां पे है इसमें ये रहा तुम्हारा आंसर

ठीक है कौन सी जो इनिशियली जो गैसेस बनी थी जैसे तुम्हारी हो गई मीथे नमोनिया वो सेम गैसेस इन्होंने बनाई थी ठीक है फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक प्लग या स्पार्क प्लग दिया था वही वहां का जो पहले जैसे कंडीशन होता था पूरे टाइम तूफान और लाइटनिंग थंड स्ट्रॉम चलता रहता था वही सारा चीज क्रिएट किया था तो अपन को क्या करना एकदम बेस्ट ऑप्शन चूज करना है देखो पहला ऑप्शन लो टेम्परेचर वॉल्केनिक स्ट्रॉम वॉलकैनिक स्ट्रॉम सही है लो टेम्परेचर था हाई टेम्परेचर था तो काट दो ठीक है आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पर लो टेम्परेचर चोरी गलत है फिर भी एटमॉस्फेयर रिच इन ऑक्सीजन नहीं बाबा रिच इन ऑक्सीजन अब है अब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर उस टाइम क्या था रिड्यूसिंग नेचर अगला लो टेंपरेचर वोल्केनिक स्टॉर्म एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ये तो सही है लो टेंपरेचर गलत है हाई टेंपरेचर होना चाहिए था काटो हाई टेंपरेचर सही वोल्केनिक स्टॉर्म सही एंड नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब गलत आखिरी अब देखो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच गया फिर भी देख लो हाई टेम्परेचर सही वोल कैन स्ट्रॉम सही रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर सही कंटेनिंग अमोनिया एंड मीथेन गैस एकदम सही एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका मिलर यूर एक्सपेरिमेंट क्रिएटेड प्रिमेटिव अर्थ कंडीशन इन द लेबोर एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ कंडीशन इन्क्लूड तो ये बेटा ये इतना है क्या बहुत इंपॉर्टेंट साथ में अभी आगे भी पढ़ूंगी साथ में याद रखना वो ये भी पूछ सकते सबसे पहला बायोमोलिक्यूल मिले के एक्सपेरिमेंट या आ, जो मिलर के एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में कौन से मिले थे तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है वो भी तुम्हारी बुक में अलग से दिया हुआ है तो याद करके जाना है या फिर अगर उनका दिमाग खराब हो गया कि इनका जो पेपर बना रहे हैं एन वालों का तो वो डायग्राम ही उठा के दे देंगे पूछ लेंगे बताओ ये बी में क्या हो रहा है ठीक

लैब में क्या मिला मिलर और यूरिक के एक्सपेरिमेंट में लैब में उन्होंने कौन से बायोमोलिक्यूल ऑप्टेन किए तो कौन केमिकल ओरिजिन इतना है मूव तो करते अगले क्वेश्चन पे द एक्टिव केमिकल ड्रग रेस्परिन फ्रॉम तो भैया ये तो तुमको याद रखना है तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है जो रॉ वोल्फिया वोमटीना है एक जगह वोमेंटीना दिया के नाम से भी पूछा जाता जाता है पापन जीनस याद रखना है ठीक है दोनों में क्या मिलता है एक रेस्पायरिन ये कहा पढ़ा हुआ है तुमने जेनेटिक डायवर्सिटी में वापस ठीक है तो देखो जरा इसका आंसर रेस्पायरिन इज एन एल्कोलॉइड फाउंड इन द रूट्स ऑफ रॉ वोल्फिया सरपेंटीना एंड रॉ वोल्फिया वोमेंटोरिया तो याद रखना तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है वॉमिटोरिया के बारे में मेंशन मेंशन है है सर्पेंटिना के बारे में नहीं ठीक है ठीके? दोनों में से किसी एक के बारे में मेंशन है तो दोनों याद रखो इसलिए बेटर है कि जीनस से ही वो चीज याद रखो इट इज यूज विद और विदाउट अदर मेडिकेटर टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन इट लोअर ब्लड प्रेशर बाय स्लोइंग डाउन द नर्वस सिस्टम दिस अलाउ ब्लड टू रिलैक्स एंड डायलेट वाइडन हेल्प हार्ट बीट मोर स्लोली एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो तो अभी याद रखना कि ये बेसिकली जो एल्कोलॉड मिल रहा है जिसका नाम रेस्पायरिन है वो काम क्या कर रहा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मोर स्पेसिफिकली हाइपर टेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि तो वो क्या है एक वेसो डायटर इतना याद रखो स्क्रीन शॉट ले लो और मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन द दबसेंस ऑफ द फॉलोइंग अच्छा मतलब वो पूछ रहे हैं बेसिकली इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि चार में से तीन जरूरी है रिकॉम्बिनेट uh, डीएनए बनाने के लिए एक की जरूरत नहीं रही तो भी बन जाएगा ठीक मतलब तो पहले तो ऑप्शन देखो और देख लो क्या ये लगता है तुम्हारे रिकॉमनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर वो मॉलिक्यूल लग रहा है तो वो तुम्हारा आंसर नहीं है क्योंकि पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल अगर यूज नहीं भी करोगे या होगा भी नहीं फिर भी क्या बन जाएगा तुम्हारा रिकॉम्ब डीएनए उल्टा पूछ रहे हैं चलो देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अरे ये तो है, ये तो चाहिए ही तो ये चाहिए

उन्होंने बोला एक है एक एक्सलिंग कंडीशन है ठीक है भैया सकल लगा लिया ऑन वन ऑफर अब देखो वन ऑफर एक्स क्रोमोजोम दोनों में से एक के पास है ठीक है आगे दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय भैया वुमन के पास एक्स ही होता है तो वो तो फिफ्टी फिफ्टी चांस है कि एक बार नॉर्मल एक्स आगे पास ऑन हो जाए एक बार एबनॉर्मल एक्स पास ऑन हो जाए वो तो लक की बात है वापस ये एक्स कहीं भी जा सकता है मेल में भी जा सकता है फीमेल में भी जा सकता है क्योंकि फीमेल में भी दो एक्स है रहते हैं तो एक तो उसको मम्मा देगी और दूसरा मेल में एक्स वाई होता है वाई देते हैं उसके फादर पर एक्स तो वापस मदर से आ सकता है तो ये जो वुमेन है ये डिफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम गर्ल को भी दे सकती है बॉय को भी दे सकती है आगे ओनली डॉटर नहीं दोनों दोनों बोथ सन एंड डॉटर एब्सोल्युटली करेक्ट ओनली ग्रैंड ओनली सन नहीं ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया बोथ सन एंड डॉटर हियर इन द द केस अ अ वुमन इज कैरियर बोथ सन एंड डॉटर विल इनहेरिट द एक्स क्रोमोसोम बट ओनली द सन विल बी डिजीज याद रखना है अपन को अब देखो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अभी इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया अब ये इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ इन विच कंडीशन द

चलो मूव करते हैं फ्रॉम है, चलो देख लेते हैं गलत होगा वही इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिल्कुल सही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, है ना? चलो आगे बस ये अलग बात है कि बर्ड्स होती है ओवी पेरिस और मैमल्स होते हैं वाईवी पेरिस ठीक है कोलेस्ट्रोल कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिशन बिल्कुल सही कौन सी एंटीबॉडी मैंने बोला था कि मदर मिल्क से माँ याद रखना एम ए तुम्हारी बुक में ए के बारे में मेंशन है पर याद रखना आई जी एम आई जी ए हटाओ इसे मतलब ये सही स्टेटमेंट है ये भी सही स्टेटमेंट है पूछा है गलत अगला पॉलिस फॉर्मी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंज इन एक्स सर्फेस अगर याद करो केमिकल चेंज नहीं फिजिकल चेंज होते हैं ठीक है तो ये है हमारा ये वर्ड गड़बड़ लिखा है तो ये इनकरेक्ट में जा रहा है फिर भी अगला पढ़ लो इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑलमोस्ट सेवेंथ डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही एकदम सही है तो अपना आंसर है सी चलो देख लेते हैं पॉलिस्पर्म में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय मोर देन वन स्पर्म अच्छा एक और चीज ये पॉलिस्पर्मी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है मतलब इस का मान के चलो कि पॉलिस पौ, फर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ठीक है क्योंकि प्रीवियस साल मतलब प्रीवियस ईयर में भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है और हमने मॉक किए तो हर मॉक में एक क्वेश्चन तो पॉलिस फर्मी पे आ ही रहा है 11 ग्यारहवा ज्यार मॉक चल रहा है और एन ने भी जो मॉक दिया था उसमें भी पॉलिस फर्मी पे क्वेश्चन था तो इसका क्वेश्चन फिक्स है

जगह से लिया आ, बाहर बनाए गए ठीक है क्रायो प्रिजर्वेशन उसको लेके आ गए लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर लिया ठीक है टिश्यू कल्चर वापस टिश्यू का टिश्यू निकाला टोटी पोटेंसी ग्रो करवाई कैलस ग्रो करवाया तो एक तरीके से ओरिजिनल जगह से हटा के कहीं और लेबोरेटरी में कर, किया जा रहा है ठीक है ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन नहीं इन सीटू तो उसी जगह पे होता ही तो सीटू का तरीका हो रहा है अच्छा ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड लार्ज स्पेस नहीं क्रायो प्रिजर्वेशन में कहा लार्ज स्पेस चाहिए इतने से जगह भी अगर वाइल मिल गई तुम्हें लिक्विड नाइट्रोजन वाले उसमें भी सब कुछ सेव हो जाता तो ये लार्ज स्पेस से ये चीज गड़बड़ हो गई ऑल द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म नहीं इन प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म को भी कंजर्व किया जा सकता है इनफैक्ट जैसे जो ऑर्किड्स हो गए वो ग्रो नहीं कर पा रहे हम गर्म टेम्परेचर में नॉर्मल टेम्परेचर में तो हमने लैब में उसको ग्रो कर लिया तो यह भी गलत तो करेक्ट आंसर क्या हुआ तुम्हारा बी ऑल आर एक्स टू कंजर्वेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्रायो प्रिजर्वेशन एंड कल्चर आर ऑल एक्सी टू कंजर्वेशन मेथड एक्सी टू ऑफ साइड कंजर्वेशन इज सेट ऑफ कंजर्वेशन टेक्निक द ट्रांसफर ऑफ टारगेट स्पीशीज़ अवे फ्रॉम इट्स नेटिव हैबिटेट. वापस देखो ये क्वेश्चन भी डिफरेंस आया था तुम्हारे बोर्ड में एक्सी टू इंस्टीट्यू का देखो जरा बोर्ड से ही वो लोग क्लू लेके पूरा पेपर डिजाइन हो रहा है तो प्लीज आज दो टास्क दिए मैंने पहले तो पूरा ट्वेल्थ बोर्ड के पेपर ती, सार, तीनों सेट सॉल्व कर लो फिर से ठीक है मैम किया था फिर से करो और प्री साइज लिख करो एक वर्ड में आंसर निकालो क्योंकि पूरा कहानी क्या है अब ऑब्जेक्टिव है अब कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो प्लस फाइव गलत हुआ तो माइनस वन सीधे ठीक है और उसके बाद जो मैंने दूसरा टास्क दिया था तुमको वो एट प्रेजेंट गैमेट्स ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन बाइबल कंडीशन एट वेरी लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस किसमें लिक्विड नाइट्रोजन में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड फर्टिलाइजेशन कैन बी अचीव इन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड स्पीशीज कैन बी प्रोपोगेटेड बाय टिश्यू कल्चर मेथड विच इज अ प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल क्लियर चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वाल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट दॉज अपने

और पूछा है नॉट सही है राइबो न्यूक्लियस हां आरएनए नहीं चाहिए हमें सिर्फ डीएनए चाहिए तो ये भी चाहिए पूछा है नहीं वाला तो ये सही चल रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अरे डीएनए को तो बचाना है डीएनए को थोड़ी ना डिस्ट्रॉय करना है डीएनए ही आइसोलेट करना है बाकी सब हटा देना है तो ये तो चाहिए प्रोटीएज परमिटेड अरे भैया प्रोटीएज भी तो एंजाइम्स चाहिए ये तो गड़बड़ है तो सही आंसर क्या है सी आगे देखो

फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस का उसके बाद पूरा तुम्हारा uh, इन सब के पार्ट सीक्वेंस वाइज आउटर आउटर टू टू इनर इनर उनकी प्रोसेस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस उसके बाद तुम्हारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस uh, मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा याद कर लो या तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आता है या तो ऑड वन आउट पूछ लेते इसी फॉर्म में आता है ठीक है तो देखो उससे एक क्वेश्चन आ गया कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसका स्पर्म फॉर्म

सबसे आखिरी में स्पॉर्मेटो जोआ ही होना चाहिए करेक्ट तो देख लो यहाँ नहीं है यहाँ है यहाँ है यहाँ नहीं है तो ठीक है अब देखो इस तरीके से तो तुम्हें आंसर मिल ही गया देखो तुमने तुमने फर्स्ट वाला काट दिया और लास्ट वाला काट दिया तो आंसर तुम्हारा क्या बचा अभी फिर भी दिल है कि मानता नहीं आप पढ़ लो स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल सही स्पर्मेटोसाइट हाँ बिल्कुल सही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर क्या बनेंगे स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ और फिर जोआ मतलब एनिमल बन गया बस अब उसके बाद क्या बनेगा स्पर्म बनेगा बिल्कुल सही मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे

एडापिक फैक्टर रेफर टू ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि क्या है ये सॉइल को रेफर करता है तो लोकैलिटी फैक्टर और एनवायरमेंटल ऑफ इज एज टर्म एनवायरमेंटलिक फैक्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड फर्स्ट क्लोन एनिमल इज अब ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कौन क्लोन हुई थी डॉली डॉली क्या थी शिप थी ठीक है सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं तो आएगा माइस ठीक है अच्छा फर्स्ट फर्स्ट um, uh, तो नहीं बोल सकते ट्रांसजेनिक काउ का नाम रोजी ये अपन को याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो डॉली द शीप वॉज अ फर्स्ट क्लोन एनिमल फ्रॉम द सोमैटिक सेल अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच कंडीशन ऑफ जायोड सेल विल लीड टू बर्थ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड चाहिए तो फीमेल तो एक्सेक्स होंगे मतलब दो एक्स क्रोमोजोम तो कितना गंदा क्वेश्चन है ओनली वन नहीं ओनली एक्स एन वाई तो मेल कर रहे हैं नहीं टू ओनली वाई नहीं तो करेक्ट आंसर है सी इतना भी सिंपल नहीं आएगा ठीक है चलो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीमेल चाइल्ड इज ये ना पूछ के वो ये तुम्हें पूछेंगे कि क्लाइन फिंट्रल सिंड्रोम का जीनोटाइप बताओ या टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप बताओ तो वो जरूर याद करके जाना है ठीक है चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वापस मैच द फॉलोइंग एकदम बढ़िया लग सकता है रिडक्शन मेथड पलटो तो जरा अगर तुम ध्यान से देखोगे ये स्पर्म के पार्ट्स है ठीक है तो ये बताओ टेल क्या कर रहा है सिर्फ बता दो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मतलब मोटिलिटी uh, के लिए रिस्पॉन्सिबल है ढूंढ लो भैया ये रहा डी का टू बस मूव कर लो डी का टू नहीं डी का टू हाँ डी का टू नहीं नहीं लो एक क्वेश्चन एक ऑप्शन देखा और तुम्हारा करेक्ट आंसर है फिर भी दिल है कि मानता है नहीं दूसरा देख लो वहां पे लिखा है क्या ए का फोर जेनेटिक मटेरियल हाँ हेड में ऊपर जरूर एक्रोसोम होता होता है है पर अंदर न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है बी का थ्री बी मतलब मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एनर्जी देता है तो बी का थ्री एनर्जी बिल्कुल सही बच गया तुम्हारा एक्रोजोम एंजाइम बिल्कुल सही जो, जो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करेगा एकदम सही तो देखा

तो चलो देखते हैं तो सीक्वेंस पूछ रहे हैं कम्युनिटीज का प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर तो सबसे पहले अब एक पेन सबसे पहले बताओ प्राइमरी सक्सेशन में कौन आएगा सारे के सारे प्लांट्स आएंगे क्योंकि वो प्राइमरी सक्सेशन में आते हैं प्रोड्यूसर्स आएंगे पिक्चर में अब कहां से कहानी शुरू होती है फाइटो से है ना ये तो हमको पता ही है छोटे छोटे जो फाइटो है जो फोटो कर सकते हैं वो तो देख लो भैया फाइटो प्लैंगटन फाइटो प्लैंगटन फ्री फ्लोटिंग हटावे से फाइटो के बाद कौन आएगा उस के बाद आएंगे फ्री फ्लोटिंग वाले तो देखो यहां सेज नहीं रूटेड सामर्स नहीं देखो सिर्फ दो ऑप्शन देख के तुम्हारा आंसर आएगा कि फाइटो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स फिर आएंगे रूट्स वाले हाइड्रोफाइट्स फिर और फिर आखिरी में ग्रासेस और सबसे आखिरी में ट्रीज अनफॉर्चुनेटली जब तक ट्री की कहानी आएगी पूरा वाटर ही खत्म हो जाएगा तो करेक्ट आंसर है ये ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में है सीक्वेंस है तुम्हारा टेरिस्ट्रियल का भी और एक्वेटिक का भी वही उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ डायग्राम तक बने हुए हैं तुम्हारी बुक में वही का वही उन्होंने पूछ लिया है चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एज द चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन आर ऑर्डरली सीक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर इज फाइटोप्लांकटन फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट रूटेड हाइड्रोफाइट सेजेस ग्रासेस एंड मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हैवीएस मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटोप्लाजम भैया एक ही चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जेनेटिक मटीरियल डी ठीक चलो देख लेते एक्सप्लेनेशन द हेवीएस्ट मॉलिक्यूल इन द प्रोटोप्लाज्म इज डीएनए डीएनए इज अ कंपाउंड ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट ओवर वन मिलियन डाल्टन पूरा आएगा डाल्टन इट हैज अ जायंट मॉलिक्यूल स्मॉल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लिंक टुगेदर बट इट मॉलिक्यूलर वेट इज वेरिएबल याद करो दो होते हैं हमारे पास एक मम्मी के पेरेंट्स की, तरफ से, एक की तर, मतलब एक पापा की तरफ से मैटरनल पैटर्नल एच बी ए के अगर ऊपर ए लिखा है तो नॉर्मल है और एस लिखा है मतलब सिकल सेल है सिर्फ एक में लिखा है तो वो सिकल सेल क्या है ट्रेट है कैसा डिजीज है ऑटोजोम वाला डिजीज है ठीक है डिसऑर्डर है अब उन्होंने अगर लिखा होता सिकल सेल डिसऑर्डर या डिजीज़ तो दोनों पे मैं मैसेज लिखती दोनों पे डिफेक्टिव जीन है एक ही में है तो ये मान लो फीमेल का ये मान लो मेल का सेम वही कहानी क्योंकि बोथ पेरेंट्स लिखा हुआ है ठीक है अब वो पूछ रहे बताओ अब जल्दी बताओ क्रॉस लगा के एक में क्या है कि एक में डिजीज होगा ठीक है दूसरे में अब दूसरे में भी यहाँ जाएगा तो एक एच बी एस और एच बी ए मतलब नॉर्मल फिर ये वापस एच बी ए और इस वाला एच बी ए और एच बी एस मतलब पचास पचास प्रतिशत है कि आधे लोग बीमार रहेंगे आधे लोग क्या रहेंगे नॉर्मल रहेंगे ठीक है हमने निकाल लिया अब देखते हैं तो उन्होंने पूछा देन देयर इज अ डैश ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट तो 50 परसेंट चांस है क्या सिकल सेल ट्रेट का नहीं वापस एक बार बना देती हूँ मैं तो एच बी एस एच बी एन लिख देती हूँ नॉर्मल ठीक है फिर एच बी एस और एच बी एन ये हो गया एक हो गई फीमेल एक हो गया मेल खैर उससे फर्क नहीं पड़ता पर क्योंकि ऑटोसोमल है तो ये देखो ये दोनों क्या आया एच बी एस एच बी एस आगे एच बी एस और एक एच बी नॉर्मल है मतलब ये है तुम्हारा ट्रेट ठीक आगे ये हुआ एच बी एस और एच बी एन मतलब ये भी हुआ तुम्हारा ट्रेट यहां देखो एच बी एन एच बी N. मतलब 100 में से फिफ्टी परसेंट क्या है, है? है? नॉर्मल होंगे हुआ क्लियर और वही उन्होंने पूछा है कि बताओ कितने परसेंटेज बच्चों को क्या रहेगा सिकल सेल्ट्रेट तो देखो चार में से दो मिल रहे मतलब सीधा सा आंसर क्या हुआ तुम्हारा फिफ्टी परसेंट चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इफ बोथ पेरेंट्स हैव सिकल सेल रेट देन देयर इज अ 50% चांस इन ईच प्रेगनेंसी दैट द बेबी विल हैव सिकल सेल रेट अ सिक चाइल्ड विल सिकल सेल एनीमिया अपीयर्स नॉर्मल एट द बर्थ हुआ क्लियर इसी तरीके का स्क्वायर बना के प्यूनट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो या नॉर्मल इस तरीके से भी क्रॉस ओवर लगा के आंसर आ सकता है अब देखो उन्होंने ये पूछ लिया कि सिकल सेल ट्रेड का क्या परसेंटेज है इसी को कॉम्प्लिकेट करना है तो वो पूरा रिजल्ट पूछेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन देके एनी anyway, वे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो तुमको अपना ही मैथमेटिक्स करना है उसके बाद जो तुम्हारा आंसर है वो मैच करना है कि कहां पे है ठीक है ठीक चलो मूव करते है अगले question पे. Question हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन पे नंबर तो हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रन इरोजन को बचाना इतने सारे डायरेक्ट बेनिफिट देता है यूटिलाइजेशन ब्रॉड यूटिलाइजेशन एथिकल यूटिलाइजेशन तो देख लो साइक्लिंग ऑफ ऑफ हाँ, हाँ, जल्दी बताओ अगर ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑल ऑफ द है और दो तुम क्या हो 110 परसेंट श्योर sure हो तीसरा मत अबव तीन मेंंड्रेड एंड अबव हो और तीन में ऑप्शन पढ़ने, पढ़ने, पढ़ने में अपना टाइम मत वेस्ट करो टिक करो आगे मूव करो तो देखो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम प्रोवाइड सर्विस लाइक साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिय प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन पल्यूट एंड एब्सॉर्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा ये तीरा, ये सारे तीनों तुम पढ़ सकते हो बाय बायो यूटिलाइजेशन ब्रॉड यूटिलाइजेशन और एथिकल इंपॉर्टेंस याद आया बुक का ही है सिर्फ इन तीन हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे डीपीटी वैक्सीन इज यूज फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ द डी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया देख लो भैया डिप्थीरिया नहीं है pertuses, तो वूपिंग कफ बोलते हैं ना तो वूपिंग कफ हा ये रहा और टी टेटनस तो भी नहीं दिया तो अपना आंसर है क्या डी अब बोलोगे कि मैम ये तो आंसर गलत है नहीं गलत नहीं है उन तीनों में से उन्होंने एक का तो आंसर दिया हुआ है तो इसको तुम खड़े क्लेम नहीं कर सकते बाकी की उन्होंने डी भी भी नहीं नहीं लिखा टी स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू डिफिकल्ट ब्रीदिंग हार्ट फेलियर पैरालिसिस और डेथ हुआ क्लियर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच डज नॉट डॉट ए की वर्ड कंफर्म स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो याद करो जो हेलिक्स वाला है स्ट्रक्चर डीएनए का वो किस कारण होता है पहले तो दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से और दूसरा होता है जो बैकबोन बनाता है बैकबोन कौन बनाता है शुगर बनाता है और फॉस्फेट बनाता है जल्दी बताओ शुगर और फॉस्फेट के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज मतलब सीधा सीधा बोलू तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो बनाते हैं ठीक चलो देख लो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हाँ बिल्कुल सही पूछा है नॉट तो ये है तो हटाओ हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ बिल्कुल सही पर पूछा है नहीं तो हटाओ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एन ग्लाइकोसिडिक किसके बीच में होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में इसका कोई रिलेशन नहीं है किस में स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्टेबिलिटी में तो है पर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या आया तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखो जैसे ही तुमने को काटा ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटिकली कट गया चलो देख लेते एक्सप्लेनेशन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन डीएनए इज अ नाइट्रोजन कंपाउंड लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन एंड द कार्बन ऑफ द शुगर ग्रुप दिस बॉन्ड डज नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी हुआ क्लियर चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ठीक है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट तो देख लेते हैं और चूज जो ऑप्शन ट्रू ट्रू पूछा है वापस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है डिडक्शन इजीली लग सकता है इट इज न्यूक्लिएट हाँ एट न्यूक्ट होता है एंड सेवन सेल सेलैड मेच्योरिटी बिल्कुल सही तो वन ऑप्शन तो होना ही चाहिए वन ऑप्शन यहाँ मतलब ये दोनों कट गए चलो अब देख लो वन के साथ टू एंड फोर है तो टू है इट इज अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट और फोर है इट हैज एन एग सिचुएटेड एट ये सही है यहाँ पे चलाजलैंड गड़बड़ है क्योंकि याद करो सिर्जर और जो एग एपेरेटिस है वो कहां होता है माइक्रो पार्ट पाइलर एंड से जहां से पोलन ट्यूब के मेल गैमिट सेंटर कर सके चलाजिल एंड तो आंटी मॉडल होते गलत तो फोर्थ वाला गलत है करेक्ट आंसर क्या आया तुम्हारा सी दैट इज वन एंड टू मूव करते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन पे

उसी के कारण डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है द मियॉटक डिविजन इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोस एक्ट आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन गैमेटोफाइट इज सिचुएटेड एट माइक्रो पायर एंड नॉट एट जलासिल एंड हुआ क्लियर चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग यंग इंडिविजुअल कंपेयर टू ओल्डर ज्यादा है मतलब हम बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है ओल्डर इंडिविजुअल मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव या फिर हमारी रिप्रोडक्टिव कम है ठीक है तो एक टाइम बाद ये ये होगा कि चीज जब आएगी तो और पॉपुलेशन बढ़ेगी इंक्रीज होता चलेगा व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर भैया इंक्रीज ही होगी यूथ ज्यादा है बच्चे ज्यादा है यंग इंडिविजुअल ज्यादा है तो इट विल इंक्रीज ना डिक्रीज ना स्टेबलाइज पहले इंक्रीज ही होगा इसलिए याद होगा तो मैंने बोला था किसी भी देश का पावर क्या होता है उसका यूथ

पूछा जा सकता है तो लैक ओपरॉन पे कुछ भी आ सकता है तो अब वापस एक और टास्क क्या लैक ओपरॉन अगर भूल गए हो तो पूरा पढ़ लेना चेक अगला क्वेश्चन थर्टी फाइव अमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दो टेक्निकली करेक्ट नेम ऑफ द फ्लोरल वर्ल्ड आर तो चार वर्ल्ड होते हैं कैलेक्स करोला एंड्रोशियम गायनोशियम ठीक है तो देख लो भैया तो यहां पे एंड्रोशियम करोला तो ठीक है मतलब वन एंड थ्री तो कलेक्ट करेक्ट एंड नॉट पूछा है कार्पल नहीं होता और ना ही सेपल होता है तो टू एंड फोर वाला कुछ ऐसा ऑप्शन है हमारा तो है सी ठीक देख लो इसका एक्सप्लेनेशन ऑल द फोल वॉल्स ऑफ द प्लांट विद देयर रिलेटिव पोजिशन इन फ्लावर कैन बी कलेक्टिवली फॉर्म अ वर्ल्ड कॉल कैलिक्स वाइल्ड टेक्निकली कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम वही मैंने बोला द फ्लोरल वर्ल्ड फॉर्म बाई पेटल एंड स्टेम आर कॉल्ड एज कोरोला एंड एंड्रोशियम रिस्पेक्टिवली तो उन्होंने सेपल वर्ड देके गड़बड़ कर दी है एक ही चीज पर टेक्निकली फोर वर्ल्ड में यही नाम आने चाहिए कुछ और आ गया तो गड़बड़ है मूव करते आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ शो दैट एनिमल ऑफ कोल्ड कंट्री हैली डेवलप ईयर आई हेयर एन अदर कैरेक्टर अरे लिम्स छोटे होते हैं uh, जितनी भी रहती, छोटी रहती. कौन बोलता है, एक ही जिसका नाम है तो अब देखो, वो याद करके जा रहे हैं क्या पता उस पर क्वेश्चन आ जाए बुक में नहीं दिए यहां दिए हुए स्क्रीन ले लो इंपॉर्टेंट है देखो जरा एलिंस लॉ स्टेट द एक्सट्रीमिटीज टेल एक्सेट्रा ऑफ एनिमल दैट लिव इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर क्यों क्योंकि सर्फेस एरिया

ये कैपेसिटी किस में है सिर्फ मैमल्स में है मैमल्स क्या है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और किस में है तुम्हारी बर्ड्स में है यही दो वो वार्म ब्लडेड है तो वो भले कितना भी टेम्परेचर नीचे हो जाए हाँ वापस ह्यूमन हर चीज में और अच्छी तरीके से अडेप्ट कर सकता है पर मैमल्स एंड बर्ड्स भी अडेप्ट कर लेते हैं ठीक है क्योंकि वो क्या है होमियोस्टाट स्टैट करने वाले क्या है एनिमल्स हैं ठीक है इस, इसका रीजन ये हुआ चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अच्छे से देखो ये तुम्हारी बुक में कहीं भी नहीं दिया इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बुक में सिर्फ इक्वेशन दी है मैं डायरेक्ट तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट लेते चलो इंपॉर्टेंट है इन 2005 मतलब इनिशियल ईयर दे रहे हैं वो ठीक है फॉर ईच ऑफ 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट मतलब ये क्या है डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी इन

भी दिया हुआ है देखो कह, कैसे आगे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने ऐसे सॉल्व क्वेश्चन नहीं किए हैं तो देख लो इसका आंसर भले सेवेंटीन है इसका ले लो स्क्रीनशॉट तो जैसे उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो सबसे पहले डी अपॉन डी ये वाला तुमने निकाल दिया आर uh, एन वाला ठीक है अब तुमको इससे क्या निकालना है तुम उन्होंने पूछा है कि बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी 2015 में क्या रहेगी मतलब सीधा सा लॉजिक ये पूछ रहे हैं वो कि एन पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2015 इज इक्वल टू डी एन अपॉन एन इन जो ओरिजिनल दी हुई है अब देखो आर की वैल्यू उन्होंने नहीं दी है पर उन्होंने नंबर फ्रीक्वेंसीज बताई है कितनी बताई थी इनिशियली इतनी फिर कितनी हुई इतनी तो दोनों में से माइनस किया 0.02 हो गया फिर dt टाइम इनडायरेक्टली बताया कि 2015 का का पूछा है है 2005 का डेटा दिया हुआ 15 करोगे क्या आएगा तुम्हारा 10 ये मिल गया अब n की वैल्यू पॉपुलेशन डेंसिटी उन्होंने दे रखी दो की कितनी 14 मिलियन बस अब सारी वैल्यूज उठाओ और जगह पे रखना शुरू करो तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे डी निकालोगे एन है तुम्हारे पास टी है आर है डी तो निकालो डिफरेंशिएशन फैक्टर तो निकाल लो तो ये

काफ़ी कम है इस टाइप के क्वेश्चन डालने के पर याद रखो अगर पेपर को टफ बनाना है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा ठीक है तो देखो उन्होंने क्या किया जो तुमने 2.8 मिलियन प्लस जो अभी का अभी का नहीं उस टाइम का करंट पॉपुलेशन 2.8 का ग्रोथ हुआ उस टाइम कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी 14 अभी निकालना है ना उन्होंने देखो देखो समझो बात को अभी 2015 का निकालने के लिए बोला है ठीक है 2005 की दी हुई है दैट इज लिख दिया और हमने रेट ग्रोथ रेट निकाल लिया कि 2.8 से बड़ी uh, 2.8 पॉइंट बड़ी से बड़ी नहीं 2.8 बड़ी तो बस दोनों का ऐड कर दिया तुम्हारा आंसर आ गया 17 मिलियन तो अच्छा क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो इंपॉर्टेंट है लिख लो सेम लॉजिक वो कहां पूछ सकते हैं तुम्हारा

ना मतलब जैसे डीपीटी क्या स्टैंड कर रहा है बीसीजी क्या स्टैंड कर रहा है और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस ठीक इतना काम करना है और आज के लिए हर एक मौके के बाद कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके चलो ऐसे करोगे तो बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में कंप्लीट हो जाएंगी मूव करते अगले क्वेश्चन पे वापस क्या लगाना है वर्ड बिकॉज लगा लो भैया बिकॉज अमाइनो असाइलेशन इज एन एसेंशियल स्टेप फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बिल्कुल सही अमाइनो असाइलेशन किसका होता है टी का इसी को क्या बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टी जब तक तो चार्ज नहीं होगा कहानी ही आगे नहीं बढ़ती है

तुम्हारा टीआरएन रेडी हो गया चार्ज हो गया उसके बाद आएगा <coughs> तुम्हारा एमआरएन ए जिसमें स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट हो गया बड़ा आके होगा अब सारे TRNA चार्ज बस एक करके एंटर करेगा A वाली पे, P वाली पे एंटर करेगा वाली वाली पे पे कि क्या -कोडौन -कोडौन से मैच कर ऊपर सही है ओके अगला तब तक जैसे ओके हुआ ये राइबोसोम का यूनिट आगे मूव कर जाएगा अगला टीआरएन आएगा ए साइड से तब तक ये जो पहले ए साइड में एंटर किया था वो पी में शिफ्ट हो गया यहाँ अटैच होगा देखेगा एंटी कोडॉन से मैच कर ठीक है ऊपर सिग्न लेगा एकदम परफेक्ट है। है, अब पहले वाला जो पी वाली पे जो वाली पे पे वो पूरा शिफ्ट हो हो जाएगा जाएगा और इस पे पेप्टाइड होते होते, जब तक क्या नहीं आ जाए स्टॉप कोडॉन क्योंकि जैसे स्टॉप कोडॉन आएंगे उनका कॉम्प्लीमेंटरी टी आर है भैया प्रोसेस यहीं तक थी रोक लो ठीक चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर

ठीक क्वेश्चन नंबर कंपाउंड बाय उंडशन ऑफ मॉर्फिन देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था हीरोइन जिसका कॉमन नेम है स्मैक स्मैक पे क्वेश्चन था वापस आ गया कि मॉर्फिन के एसटाइल ग्रुप ऐड करने के बाद क्या किसको मतलब किसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हीरोइन

टेन कनेक्टिंग लिंक्स ढूंढ लो और उतनी याद कर लो क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो कोई भी कनेक्टिंग लिंक पूछा जा सकता है जैसे जो है 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 वो वो कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में? Reptiles और birds के बीच में में रेप्टाइल्स और बर्ड्स के यह कि एक्सटेंट स्पीशीज भी है. आई बात समझ में वैसे ही डग बिल प्लाटेबस क्या है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में रेप्टाइल्स और मैम्स के बीच में ठीक क्योंकि वो देता तो एक है पर फिर बाद में बिहेवियर शो करता है कैसा है वाईवी पेरी वाला ठीक है हुआ क्लियर इतना तो ये अपन को कुछ कुछ कनेक्टिंग लिंक याद करनी है ठीक है तो देखो वो पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा कनेक्टिंग लिंक है अब बोलोगे मैम हम सब थोड़ी ना याद कर सकते इतना कम टाइम में ठीक है डिडक्शन मेथड लगा लो डोडो क्या है एक्सटेंट स्पीशीज क्रॉस करो सीवीड क्या है कनेक्टिंग लिंक है नहीं वो तो किस में पढ़ा था तुमने ब्रू, आ, जो आ, आ, एलियन स्पीशीज में भी कभी कभी सीवीड का तुमने एग्जाम्पल पढ़ा था अनवांटेड चीज वीड्स मतलब क्या है अनवांटेड स्पीशीज जो चाहिए नहीं वो गाई तो हटाओ इसे चिंपांजी कनेक्टिंग लिंक है नहीं चलो तो आंसर क्या हुआ उस अकॉर्डिंग लो फिश ठीक है पर वापस सेफर साइड में रहना है तो एटलीस्ट मेजर फेमस टेन कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ लो दो तो मैंने बता ही दी चलो लो फिश इज एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्पीच लिंक स्पीशीज या कनेक्टिंग लिंक लिंक कनेक्टिंग लिंक को भी लिंक बोलते हैं अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो फिश विद स्नॉट एंड स्ट्रांग फिन कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक इन वाटर आज भी है ऐसी फिश जो आती है पानी में मतलब एम्फीबियस है मछली एम्फीबियस नेचर शो करती मतलब किसके बीच में है

Uh, जो हॉर्स शू क्रैब है वो भी एक लिविंग फॉसिल है तो देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपन को याद करनी पड़ेगी अब बोलोगे मैम ये सब कहाँ मिलेगा ये ज़रूर मिलेगा तुम्हें इलेवेंथ की बुक में पर कुछ कुछ चीज़ें इवोल्यूशन से रिलेटेड है भले इलेवंथ में भी पड़ी थी पर याद करनी पड़ेंगी ठीक तो एक और टास्क क्या मिला कि कनेक्टिंग लिंक uh, तो देखो और एक लिविंग फॉसिल की भी लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी इलेवंथ की बुक में है वो याद कर लो आगे, डोडो इज एन एक्सटेंड फ्लाइटलेस बर्ड सीवी डिज एम मल्टी सेलुलर बेंथिक मैराइन एलगे चिमपाजी आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ ह्यूमन चिंपांजी और ह्यूमन नाइनटी परसेंट सेम है और तुम और में 99.9% है, ठीक? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे बढ़िया इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं डिडक्शन मेथड इजीली लग जाता है द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर दैट आर ऑब्जर्व इन पिस्टल ऑफ फ्लावर्स ठीक है अपन को क्या करना है चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके डिस्कशन करना है. चलो देखते हैं क्या बोल रहा है पिस्टल मे हैव हाँ, मेनी कार्पल हाँ बिल्कुल सही हो सकता है तो देखो उन्होंने बोला है करेक्ट वापस लगा सकते डिडक्शन में थर्ड तो फर्स्ट ऑप्शन तो होना ही चाहिए तो फर्स्ट है फर्स्ट है ये दोनों हट गए चलो अच्छा सेकेंड ईच कार्पल मे हैव हाँ, मोर देन वन ओव्यूल हाँ हो सकता है बिल्कुल सही है तो ये भी होना चाहिए अब देखो टू तुम्हारा थ्री इसमें है तो देखो अब मैंने थर्ड एंड फोर्थ पढ़े भी नहीं पर मेरे आंसर आ गया ठीक है तो ये सबसे फायदा देता है मैच द फॉलोइंग में और इस टाइप के क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा प, पुराना वाला ईच कार्पल हैज़ ओनली वन नहीं पिस्टल हैज ओनली वन ओव्यूल नहीं

प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो करेक्ट आंसर है क्या तुम्हारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट देख लो इसका एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इवेंट विच टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम जायगोट कॉल एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट द द इज फॉर्म इनसाइड ओव्यूल इन ओव्यूल द इन ओव्यूलोट सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो हुआ क्लियर चलो आगे मूव करते हैं केस स्टडी बेस वापस हमें पता है के स्टडी अनसीन पैसेज नहीं है वो अपना अलग बोलेगा क्वेश्चन वही पूछेंगे जो उनको है फिर भी देख लेते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन विच इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान टू मेक इट लेस पोल्यूटेड गिवन बिलो इज अ फ्लो डायग्राम ऑफ द स्टेजेस ऑफ एसटीपी ऑब्जर्व द गिवन फ्लो डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इन टू अ लार्ज एरिएशन टैंक प्राइमरी इन्फ्लुएंट कब बोलते हैं जब ऑलरेडी उसको फिजिकल ट्रीटमेंट मिल गया एरिएशन टैंक क्यों क्योंकि वहां फ्लॉक्स है वो एरोबिक बैक्टीरिया है जो बीओडी लेवल कम करेगा ठीक है एफ्लुएंट पास इनटू द सेटलिंग टैंक टू फॉर्म द सेडिमेंट्स अच्छा ठीक है भैया आगे प्राइमरी इन्फ्लुएंट इज पास इन लार्ज एरिएशन टैंक अभी तो बोला क्या करना है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए टू अलाउ बैक्टीरियल फ्लॉक्स टू सेटल डाउन सेटल डाउन नहीं है एक्शन में आना है टू अलाउ फास्ट ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन इंटू फ्लॉक्स बिल्कुल सही एरिएशन मतलब एयर पंप हुई एयर मतलब ऑक्सीजन पंप हुए किसके लिए एरोबिक बैक्टीरिया के लिए जो क्या करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे नन ऑफ दीज नहीं तो बाद में आएगा पहले एरोबिक एक्शन करेगा ठीक चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन द प्राइमरी एफ्लुएंट इज ट्रांसफर इंटू लार्ज एरिएशन टैंक विच इज कॉन्स्टेंटली द एयर हैविंग ऑक्सीजन इज पंप इंटू विच अलाउ फास्ट ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब इंटू फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर अगर याद होगा ये भी तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन था कि डिफाइन फ्लॉक्स देखो भाई आ गया गोल घूम के इसलिए मैं बोल रही हूं अगर तुम लोगों ने नहीं सॉल्व किए हैं ट्वेल्थ बोर्ड के पेपर्स प्लीज कर लो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेवन टेक्निकल टर्म यूज फॉर सेडिमेंट फॉर्म सीवेज ट्रीटमेंट तो जल्दी बताओ क्या बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में जो सेडिमेंट बनता है एक्टिवेटेड स्लच

आगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द अब सेम इज दैट अरे अभी तो डिस्कस किया किसकी तरह काम करेगा इनोकुलम की तरह ठीक द एक्टिवेटेड स्लच इज बैक इन टू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम ठीक है जहां क्या है एक्टिवेटेड स्लज में क्या है तुम्हारी फ्लॉक्स है।, मतलब हाँ है तो एक्टिवेटेड स्लज बन गया क्वांटिटी उठाना है। जो फ्रेश बैच आ रहा है, सीवेज का करना है। सीवेज नहीं। जिसमें वापस पंप हो रहा है प्राइमरी एफ्लुएंट वहां पर एड कर देना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्लज स्लज डाइजेशन मतलब एनारोबिक रेस्पायरेशन एनारोबिक रेस्पायरेशन मतलब बायोगैस किस से होती है मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये चार गैसेस चाहिए मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड हाँ बिल्कुल सही ये वाला तो फिट हो रहा है सल्फर सल्फर नहीं निकलता हटाओ इसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनती हटाओ इसे नाइट्रोजन भी नहीं बनता हटाओ इसे तो करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए हुआ क्लियर ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगर एच टू भी रहा तो वो भी तुम सही मानोगे दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी द ट्रीटमेंट एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन टू नेचुरल वॉटर बॉडी एंड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउडंग गोबर गैस भी बोलते हैं ना काउडंग डेवलप इन इंडिया लार्जली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ दो एजेंसी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है कौन कौन सी आई ए आर आई जिसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा के वी आई सी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ठीक चलो तो देख लो आई ए आर आई एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ठीक है तो के वी आई सी के नाम से है तुम्हारी बुक में दिया हुआ है फुल फॉर्म भी दिया हुआ है ठीक तो यहां पे तुम्हारा मॉक टेस्ट इलेवन होता है खत्म क्या करेंगे पुराने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे अगर नहीं किया है तो अगर वो भी हो चुका है तो वापस ट्वेल्थ के भी जितने भी टर्म टू से रिलेटेड वीडियोस है वो फिर से देखेंगे ठीक है और टर्म टू भी टर्म वन भी क्योंकि पूरा ट्वेल्थ आ रहा है तुम्हारा कहां पे गूगल पे टाइप करोगे डब्ल्यू एंटर करोगे होम पेज आएगा सेलेक्ट करो सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो सुनना शुरू करो लर्न करना शुरू करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मिलते हैं हम अगले मॉक टेस्ट में तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मैग्नेट ब्रेन के साथ